बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम चिकन टिक्का रोल, पराठा रोल की रेसिपी लेकर आए हैं। तमाम मसाले आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को क्यूब की शक्ल में वॉश करके रखा हुआ है और मैं इसमें नमक जो है वो टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और धनिया है ये कुटा हुआ 1 टीस्पून। चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट करके रख देंगे। और ये है सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। और इसी तरह 1 टीस्पून सिंपल ये गरम मसाला है पिसा हुआ, सादा गरम मसाला। साथ कुटी हुई ये जो लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून हमने ऐड की है। थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है टिक्के को। हमने लाल मिर्च है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। इसी तरह थोड़ी सी हमने यहाँ पे हल्दी ले ली है। तमाम मसाले इसमें हमारे ऐड हो चुके हैं और अब हम इसमें लेमन डालेंगे, लेमन जूस। इसका हमने बीज निकाल लिया था और हमें इसमें कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा विनीगर, इसमें 1 टीस्पून के करीब विनीगर भी ऐड करूँगी। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का यहाँ मिक्स कर लिया था मैंने, और इसमें लहसुन अदरक पेस्ट हम ऐड करेंगे। ये हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसमें चीज़ ऐड की जाएगी। और यहाँ पे चिली सॉस जो है हमारे पास वो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं इसमें, अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है, तो मैंने इसमें ये 2 टेबल स्पून दही है वो हम इसमें ऐड कर दिया हमने। और ये वाले चम्मच मैंने इसमें 2 दही के डाले हैं। इसको अच्छा सा हम मिक्स करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और जैसे कि हमारा ये चिकन जो है बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया हुआ है, हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल रखा है गर्म करने, और साथ इसमें ये जो मैरिनेट हमारा ओवरनाइट हुआ हुआ चिकन है, टिक्का मसाला, ये इसमें डाल देंगे। और हम इसे उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए और खुश्क ना हो जाए इसका तमाम मसाला। तो थोड़ा सा पानी जो मैंने इसमें ऐड किया है ये उसी बर्तन में जो मसाला लगा हुआ था वो डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे उस वक्त तक इसे कुक करूँगी लो फ्लेम पे। देख लें जहाँ, जब तक इसका पानी ये खुश्क नहीं हुआ हमने इसे कुक किया। जैसे ही पानी खुश्क हो गया तो यहाँ पर ये रेडी हो गया हमारा टिक्का मसाला। और हम यहाँ पर चेक करके आपको बताते हैं। देख लें इसकी बोटी भी बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो गई है। तो हम इसे भून के प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये अच्छी तरह इसको भून लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। पराठे हमारे ऑलरेडी पहले से ही रेडी थे। तो ये मैंने फाइन आटे के बनाए हैं। चाहे तो आप मक्खन से बना लें, चाहे आप घी से बना लें, बहुत अच्छे बनते हैं दोनों से पराठे। तो मैं यहाँ पर सॉस जो है पराठों पर लगा रही हूँ और इसकी स्टफिंग की मैं तैयारी कर रही हूँ। सो सॉस जो है ये मैंने मायोनीज़ की और योगर्ट की बनाई है, जो दही होती है उसकी। और बीच में हमने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, टिक्का मसाला, वो इसमें अब हम रख रहे हैं इस तरह। तो आप यकीन जाने बहुत मज़े के बने थे रोल पराठा। साथ हम अनियन इसमें रख रहे हैं थोड़ी सी। इसके साथ अगर आपको अच्छी लगे तो आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, चिली केचप इसमें हम रख रहे हैं। चाहे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा रोल पराठा रेडी हो गया है और हम इसे सर्व करेंगे। तो ये हमने सर्व कर लिया है। देख लें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। और अगर आप हमारी इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके साथ साथ आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना अल्लाह हाफिज़।